पाखंड के विरुद्ध बातें करते हैं लेकिन वो खुद भी पाखंड करते हैं। यार मच्छर बहुत काट रहे हैं। दोस्तों यदि मैं आजकल डिजिटल बाबाओं की बात करूं तो एक बाबा जो है कि काफी चर्चा में है। खैर बाबा लोग तो वैसे भी चर्चा में रहते ही हैं, उनकी वीडियो उनकी रील्स जो है कि हमेशा वायरल होती रहती है, लेकिन उन सभी बाबाओं से हटकर एक बाबा जो है कि काफ़ी चर्चा में है जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। अगर राम जी से बढ़कर कोई है, बच्चे दीवाल में चुने जा रहे हैं। शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता। नौटंकी नाटक पर विश्वास मत करो। आज दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में बड़े बड़े एक्टर क्रिकेटर जो कि जाकर हाजिरी लगा चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं और उनको बहुत सारे लोग जो है कि काफ़ी पसंद भी करते हैं और उनके फॉलोवर ज़्यादातर जो है कि युवा हैं। दोस्तों लोगों का मानना है कि प्रेमानंद जी महाराज जो है कि पाखंड विहीन बातें करते हैं, पाखंड के विरुद्ध बातें करते हैं। जब तुम्हें कोई रोग हो तो डॉक्टर अच्छे डॉक्टरों से सलाह लो, अच्छी दवाइयां लो और भगवान का नाम जप करो। एक कलावा बांधने से जंतुर बांधने से रोग नष्ट नहीं होते। जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री को ही ले लो, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है कि बालाजी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, कैंसर ठीक करते हैं, फलाना ठिकाना चीज़ें करते रहते हैं, उनकी किस्मतें चेंज करते रहते हैं। वही ऐसे और भी कई सारे बाबा हैं जो लोगों की खांसियाँ ठीक कर देते हैं और एक बाबा तो वो भी हैं कि अगर आपकी हाइट कम है तो आपकी हाइट बढ़ा देते हैं। और राम भद्राचार्य जी को तो जानते ही हैं जिन्होंने कहा था कि यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन खुद ही बीमार होकर हॉस्पिटल में महीनों तक भर्ती रहे। तो इन सभी चीज़ों को जो है कि प्रेमानंद जी महाराज जो है कि पाखंड कहते हैं। ले भाई हम कहते हैं नौटंकी नाटक पर विश्वास मत करो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी किडनी फेल है और किसी में औकात हो, किसी में ज़्यादा चमत्कार हो तो आए हमारी किडनी जो है कि ठीक करे। लेकिन अगर मेरी मानो तो प्रेमानंद जी महाराज बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि वो लॉजिकली बातें करते हैं, पाखंड के विरुद्ध बातें करते हैं लेकिन वो खुद भी पाखंड करते हैं। ये जो हाथ में आपके टैटू है ना, ये जो टैटू इसको पूरा काला करवा दीजिए, क्योंकि इसमें जो राधा कृष्ण नाम लिखा है ना, इससे जो नहाने के समय जल गिरेगा वो शरीर में गिरेगा, पैरों में जाएगा। दरअसल इस वीडियो में एक व्यक्ति है जो कि अपने हाथ पर, अपने मतलब बांह पर जो कि कृष्ण का शायद नाम जो है कि छपवा रखा है, मतलब टैटू बनवा रखा है उनके नाम का। तो प्रेमानंद जी महाराज जी कह रहे हैं कि इसको ले जाकर आप काला करा लो या फिर कोई फूल पत्ता बनवा लो, क्योंकि यह नाम रहेगा और आप जब स्नान करोगे तो उस नाम से पानी होते हुए नीचे गिरेगा, यानी बाथरूम में गिरेगा, फिर आपके पैर से लगेगा तो भगवान का अपमान होगा। जैसे कि कुछ समय पहले एक महिला कथावाचक थी जिन्होंने कहा था कि हमें निर्वस्त्र होकर जो है कि स्नान नहीं करना चाहिए। कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि वरुण देवता का अपमान हो जाता है। बात तो सही है यार, वैसे तो बहुत सारे लोग पानी से मतलब पिछवाड़ा भी धोते हैं, तो पिछवाड़ा भी धोना मतलब बंद कर दें हैं, क्योंकि जल देवता का अपमान हो जाएगा। खैर हम आते हैं प्रेमानंद जी महाराज पर। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि पानी जो है कि इस नाम से होते हुए कहाँ गिरेगा, बाथरूम में, फिर आपके पैरों से लगेगा तो भगवान कृष्ण का अपमान होगा। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज जो यहाँ पर उस व्यक्ति को ज्ञान बांट रहे हैं, अगर प्रेमानंद जी के अकॉर्डिंग देखा जाए, उनके लॉजिक से हिसाब से देखा जाए तो वह खुद ही राधा रानी का अपमान करते हैं, यानी कृष्ण का अपमान करते हैं और दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार कहा था कि मेरे एक किडनी का नाम राधा और एक किडनी का नाम कृष्ण है। अब बताओ किडनी का काम क्या होता है, मलमूत्र बनाना। तब बताओ मलमूत्र बनाने वाली जगह का नाम उन्होंने राधा और कृष्ण रखा है, यानी वो खुद ही अपमान कर रहे हैं। खैर यहाँ पर छोड़ो, हम प्रेमानंद जी के उसी व्यक्ति की बातें ले लेते हैं जैसा कि प्रेमानंद जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि ये जो कृष्ण नाम लिखा हुआ है आपके हाथ पर, जो टैटू बना हुआ है, इसको मिटवा दो। तो हमें भगवान का नाम भी मुंह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस मुंह से भगवान का नाम लेते हैं उसी मुँह में पानी भी पीते हैं, तो वो पानी जाएगा पेट में, पेट में से अब मूत्र बनकर फिर बाथरूम में गिरेगा, फिर बाथरूम में से गंदी नाली में गिरेगा, तो फिर यहाँ पर भी तो कृष्ण का अपमान हो रहा है ना। और हमें शायद भगवान के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस दिमाग से भगवान के बारे में सोच रहे हैं हम उसी दिमाग से गंदे विचार भी तो सोचते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि हमें भगवान के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यानी कुल मिला के कहें
तो प्रेमानंद जी महाराज के अकॉर्डिंग हमें भगवान का नाम भी मुंह से नहीं लेना चाहिए और ना ही उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कि भगवान का अपमान हो जाएगा। तो यहाँ पे अब यार मैं क्या बताऊँ, मुझे लग रहा है कि आधा उनकी बातें भले ही पाखंड के विरोध हो फेम पाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पाखंड की बातें करते हैं ताकि लोगों को भगवान के नाम पर डराया रखा जाए। बाकी आप लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।